दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस ने 232 सीटों पर चुनाव जीत लिया है, जबकि एनडीए यानी बीजेपी एनडीए ने 292 सीटों पर चुनाव जीता है। अब सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार कितने चुनाव जीते हैं और कहां कहां पर कौन से राज्य में कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से चुनाव जीता है और किस पार्टी के कैंडिडेट को हरा कर चुनाव जीता है, इसके आंकड़े हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 78 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 17 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। दोस्तों तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 17 उम्मीदवारों ने कहां से और कितने वोटों से और किस पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव हराकर चुनाव जीता है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 इस बार जिस तरीके का चुनाव हुआ है उसने यह साबित कर दिया है कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे और जनता को बेवकूफ बना रहे थे। चलिए यह तो चुनाव की बात हो गई, अब हम आपको आंकड़े की बात बताते हैं। देखिए जो 17 उम्मीदवार जीते हैं इनमें सबसे पहला नाम है पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान का, जो इरफान पठान के भाई हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85,022 वोटों से चुनाव हरा दिया है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है असम के धुबरी में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल का, जो कांग्रेस के रकीबुल हुसैन के मतलब जो है रकीबुल हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया है। यह अपने आप में अब तक की और इस बार के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी की। यह कांग्रेस की नहीं, तमाम उम्मीदवारों की 543 सीटों पर हुए चुनाव की सबसे बड़ी जीत यही मानी जा रही है। दोस्तों चलिए उसके बाद बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने अपने करीबी उम्मीदवार को जो बीजेपी के थे उनको चुनाव हरा दिया है। दोस्तों 64,542 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। जबकि कैराना सीट से, जो कि यूपी में आती है, सहारनपुर भी यूपी की सीट है, कैराना भी यूपी की सीट है, समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी इकरा हसन चौधरी, इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को लगभग 69,116 वोटों से चुनाव हरा दिया है। गाजीपुर की बात करते हैं, जहां पर निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी ने 5,30,000 से ज्यादा वोट गेन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया है। जबकि अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद सीट की, यहां पर एमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन्होंने अपनी निकटतम उम्मीदवार प्रतिनिधि भाजपा की माधवी लता, जो मस्जिदों के ऊपर इस तरीके से तीर तान रही थी, इनको 3,38,087 वोटों के अंदर से चुनाव हरा दिया है और हैदराबाद सीट ओवैसी ने अपने कब्जे में रखी है। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख की, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम मोहम्मद हनीफ है वो यहां पर चुनाव जीते हैं। चलिए अगले उम्मीदवार की हम बात करते हैं जो कि काफी चौंकाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता, निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ ने 27,862 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। जबकि एक अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल राशिद शेख ने 4,70,000 वोट हासिल करके जम्मू कश्मीर की बारमूला सीट जीत ली है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर यानी यूपी के अंदर फिर आ जाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के महबूल्ला ने 4,81,503 वोट हासिल करके रामपुर सीट जीत ली है, जहां पर आजम खान कभी सांसद हुआ करते थे, आज उनको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उन्हीं के जो साथी हैं महबूल्ला वो चुनाव जीत गए हैं।
इसके बाद सांभल की बात कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ही आता है। सांभल के अंदर जियाउर रहमान ने 1,20,000 से ज्यादा के अंतर से अपने निकटतम उम्मीदवार बीजेपी के जो थे उनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर मियां अल्ताफ अहमद जो कि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मैदान में उतरे थे और इन्होंने महबूबा मुफ्ती को 281,794 वोटों से हरा दिया है। श्रीनगर की बात करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में ही आता है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा को 1,80,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। इसके बाद फिर से आपको बता दें कि यहां पर बिहार की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद जावेद जो किशनगंज सीट से जेडीयू के मुजाहिद आलम को 50,000 से वोटों से यानी 50,000 के ज्यादा से वोटों से चुनाव हराया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कटिहार, यह भी बिहार में आता है, जहां पर तारिक अनवर ने जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी को 49,000 से अधिक वोटों से मात दे दी है। उसके बाद असम की बात करते हैं जो कि धुबरी सीट आती है, जहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 1,000,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन चुनाव जीते हैं। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां पर यूसुफ पठान के बाद जांगीपुर सीट पर टीएमसी के खलीलुर रहमान ने कांग्रेस के मुर्तजा हुसैन बकुल को 1,00,000 से अधिक के वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। उसके बाद टीएमसी के अबू ताहिर खान ने मुर्शिदाबाद में भी सीपीएम के मोहम्मद सलीम को 1,00,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया है। उलूबेरिया में टीएमसी की सजदा अहमद ने भाजपा के अरुणादोय पॉल चौधरी को 2,00,000 से अधिक वोटों से मात दी है। तो इस तरीके से ये 17 उम्मीदवार थे जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जीता है। हालांकि 78 उम्मीदवार इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में थे, जिसमें से 17 उम्मीदवार जीत गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की पार्टी ने भी एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाया है। अब देखना यह होगा कि ये 17 उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव 2024 जीतकर जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये अब जब संसद में जाएंगे तो किस तरीके से अपनी कौम की आवाज उठाते हैं, ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी चुनाव जीते जनता के लिए काम करे, धर्म को देख करके बिल्कुल भी काम ना करे, क्योंकि जनता इक्वल है, सभी धर्म एक समान है, हमको सबकी इज्जत करनी चाहिए। धर्म जाति मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को बिल्कुल भी जनता अपने यहां यानी अपनी सीट पर जगह ना दे, यही बेहतर हम सबके लिए। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।